राष्ट्रीय राजधानी में पानी की किल्लत नजर आ रही है, तो वहीं यमुना के पानी में अमोनिया साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने रविवार को ऐलान किया कि राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में 1 नवंबर तक पानी सप्लाई में कटौती की जाएगी। ये हिस्से हैं पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्से और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कुछ इलाके। वजह है यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा जरूरत से ज्यादा होना। इस ऐलान के बाद दक्षिण दिल्ली के साकेत में जल्द से जल्द पानी सप्लाई बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार को लोग सड़कों पर उतर आए। डेली कंप्लेंट करी जा रही है अथॉरिटीज को, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है किसी भी प्रकार का। पानी के टैंकर्स मजबूरन मंगाने पड़ रहे हैं, जिनके लिए हमें 4-4, 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं। और जल बोर्ड के लिए हम पानी के टैंकर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें 3-3, 4-4 दिन तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सो वी हैव टू अरेंज अ टैंकर आफ्टर एवरी डे टू कंप्लीट अवर रिक्वायरमेंट, रिक्वेस्टेड सो मेनी टाइम्स टू द दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट, बट नथिंग हैज डन सो फार। सो इट इज रिक्वेस्ट, प्लीज गेट इट डन एज अर्ली एज पॉसिबल टू गिव अस द रिलीफ। उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर दिल्ली के भागीरथी और सोनिया विहार जल संयंत्रों को रोजाना 25 करोड़ गैलन पानी सप्लाई करती है। सालाना रखरखाव के लिए 12 अक्टूबर को हरिद्वार से नहर का पानी बंद कर दिया गया था। इससे दोनों संयंत्रों को गंगा पानी की सप्लाई बंद हो गई। अब दोनों संयंत्र 31 अक्टूबर तक पानी के वैकल्पिक स्रोत के रूप में यमुना पर निर्भर हैं। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक यमुना के पानी में मौजूद भारी मात्रा में अमोनिया का ट्रीटमेंट मुश्किल है। यही वजह है कि भागीरथी और सोनिया विहार में सप्लाई लायक पानी का उत्पादन भी 30% कम हो गया है। इससे दिल्ली के बड़े हिस्से में पानी की कमी हो गई है। साकेत के लोगों की शिकायत है कि पानी सप्लाई में कटौती से दिवाली के एन पहले उन्हें भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। फेस्टिव सीजन चल रहा है, रोज रोज टैंकर्स मंगवा रहे हैं। टैंकर्स इतने महंगे हैं कि हर रोज लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हर रोज 2-2, 2.5-2.5 हज़ार के अब कहाँ से लेके आएंगे? और रोज किसी के घर में कोई ना कोई रह रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं दिवाली इस टाइम में, तो आप बताइए कहाँ से कोई कोई कुछ कर सकता है। मैं सवाल करता हूँ पॉलिटिकल क्लास को और गवर्नमेंट को, किन्होंने उन्हें बोला कि आप ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई दिवाली के आसपास कीजिए? ये एक्शन पहले भी ले सकते थे, ये एक्शन दिवाली के बाद भी ले सकते थे। अब इनका प्रोग्राम चल रहा है ब्लेम गेम। आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, अमोनिया वाला आ रहा है, ये तो सब जानते हैं अमोनिया पानी वहाँ से आ रहा है। आपने क्या किया अभी तक? आपने दिवाली के पास आके सिवाय रेजिडेंट्स को तंग करने के, अपनी की पॉलिटिकल क्लास को बनाने के लिए ये जानबूझ के किया गया। पानी के संकट के बाद आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार और विपक्षी बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एएपी का आरोप है कि हरियाणा में डाले जा रहे औद्योगिक कचरे की वजह से यमुना नदी में भारी अमोनिया प्रदूषण हो रहा है। इस पर बीजेपी ने एएपी पर नाकामी का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि जल उपचार संयंत्रों में अमोनिया सफाई का पूरा बंदोबस्त है।